वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं ट्रेन से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न है उसके सामान्य नियम क्या क्या होते हैं। इसके पहले हमने कुछ चीज़ बताया था तो आप लोग को वही चीज़ फिर से बता देते हैं। अगर कोई भी हमारी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में होती है उसको हमको मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसका 5/18 से गुणा करते हैं। अगर कोई यूनिट मीटर बटे सेकंड में होती है उसको किलोमीटर बटे घंटा में बदलना होता है तो हम उसका गुणा कराते हैं 18/5 से कराते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ सारे फार्मूले हैं, कुछ सारे नियम होते हैं, इन सभी के नियम को आप लोग को याद रखना होता है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो उसकी लंबाई बनी रहेगी और उसकी स्पीड वही रहेगी, तब समय उसका उसके द्वारा लिया गया समय होगा हमारा और दूरी बटे चाल होगा। ठीक है, दूरी बटे चाल होगा। अगर वही ट्रेन जो है किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या खड़ी गाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा जो लिया गया समय होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, गाड़ी, यहाँ पर लिखा जाएगा, इसकी लंबाई बटे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला नियम क्या है कि एक दिशा में दोनों चीज़ें चल रही हो, यानी कि अगर ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है या फिर कोई गाड़ी भी उसी दिशा में चल रही हो तो उसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर उसका क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। जैसे कोई गाड़ी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और अन्य गाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 70/60 घट जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं कि विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा का मतलब अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो, ठीक है, विपरीत दिशा का मतलब है ट्रेन इधर जा रही हो और कोई गाड़ी इधर आ रही हो या दूसरी ट्रेन है इधर आ रही हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों चालों का योग करते हैं। ठीक है, तब सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का योग कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, कि माना ए मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली आ रही है तथा बी मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में और समांतर पटरी पर वाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आ रही है, तब तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान के चलिए दो समांतर पटरियाँ हैं। ठीक है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ये वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं और समान चल रही हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जो तेज़ रेलगाड़ी द्वारा जो मतलब धीमी रेलगाड़ी जो चल रही है उसको पार करने में लिया गया समय। ठीक है, याद रखिएगा, तेज़ रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय, ठीक है, तब क्या हो जाएगा। देखिए, अब ये मान के चलिए ये रेलगाड़ी जो है तेज़ है और ये धीम है। ठीक है, ये तेज है, धीम है, तो आप सभी लोग को मालूम है तेज़ रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार कर लेगी, बहुत जल्दी पार कर लेगी। तब अब इसका समय निकालेंगे, ये ए मीटर लंबी है, ये बी मीटर लंबी या किलोमीटर जो भी लेना हो लंबी है, ठीक है, तब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, तब इसके द्वारा जो लिया गया समय है यानी तेज़ रेलगाड़ी के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा, उसका फार्मूला हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, जो तेज़ रेलगाड़ी की चाल होगी उसको धीमी रेलगाड़ी की चाल से घटा देंगे, यही उसका समय हो जाएगा। ठीक है, तेज रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ए प्लस बी यानी दोनों की लंबाइयों का योग बटे दोनों की चालों का अंतर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी, ठीक है, इस दिशा में जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही है। ठीक है, अब देखिए, इसकी ए है लंबाई और इसकी लंबाई बी है, इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तब क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय, ठीक है, तो लगा समय क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय है तो दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ेंगी और क्या हो जाएगा, दोनों की चालें भी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, बस यही हमारा जो है लगा समय हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। यानी एक इधर से जा रही है तो कोई उधर से आ रही, विपरीत है, यानी विपरीत जा रही है और एक उधर से वापस उल्टी दिशा में आ रही है,
तो एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय होगा वो दोनों की लंबाइयों का योग बटे दोनों की चालों का योग होगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गई है। अब चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं। अगली चीज़ क्या है कि माना एक रेलगाड़ी की लंबाई ए मीटर है, यह रेलगाड़ी एक्स मीटर प्रति घंटे की चाल से गति से जा रही है, तब एक व्यक्ति वाई किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब जो है प्रति घंटा प्रति सेकंड की दर से गाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो यहाँ पर क्या था भैया, रेलगाड़ी ही आ रही थी। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर दौड़ रहा है। ठीक है, व्यक्ति भी इधर दौड़ रहा है, रेलगाड़ी भी इधर चल रही है, ये हमारा मान के चलिए ए है। ठीक है, ए मीटर की लंबी है। ठीक है, और इसकी लंबाई नहीं लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं लेंगे। अब ये एक्स है, ये वाई है, तो इस रेलगाड़ी के द्वारा इसको पार करने में लगा समय, ठीक है, रेलगाड़ी के द्वारा उसको पार करने के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों की चालों का अंतर, रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की चालों का अंतर। ठीक है, अब क्या हो गया, अभी तक तो ये था एक ही दिशा में चल रही थी, अब अगर विपरीत दिशा में चल रही हो, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, जिससे रेलगाड़ी इधर जा रही, आदमी इधर आ रहा है, तो ये एक्स, ये ए है, ये मतलब एक्स और ए वाई दोनों की चाल है और ये ए मीटर लंबी है, तब इसके द्वारा यानी इस रेलगाड़ी के द्वारा इसको पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों की चालों का योग। बस ये याद रखिएगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि मतलब जो है दोनों, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो चालों का योग हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में तो चालों का अंतर हो रहा है। ठीक है, बस अब कोई व्यक्ति है तो उसकी लंबाई नहीं लेंगे, उसकी लंबाई को निगलेक्ट मान लेंगे और ट्रेन की लंबाई लेंगे। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। अब चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक जा रही रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। एक बिजली का खंभा है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति हो बिजली का खंभा हो तो उसकी लंबाई, जो उसकी लंबाई होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसकी लंबाई को निगलेक्ट मांग लेते हैं। तो अब देखिए इसकी चाल क्या है, स्पीड है क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब ट्रेन की लंबाई जो है वो मीटर में है, तो अब इसको भी हम लोग मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 5/8, ठीक है, 5/18 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 72 हो जाएगा, तो 5 × 20 क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ देखिए, ये लंबाई जो हमको दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस अगर मान लें तो हमको क्या दिया गया, 60 मीटर। ठीक है, लंबाई क्या है, 60 मीटर है। अब इसके द्वारा लिया गया टाइम जो है, यानी समय जो है वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी 60 है और चाल हमारी 20 है। अब दोनों को अगर हम लोग काट लेंगे तो 3, ठीक है, कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगा, 3 सेकंड का समय लगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई है, एक गुफा की लंबाई है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई हमको लेना पड़ेगा। अब देखिए समय कितनी देर में, कितनी देर का मतलब समय, तो समय कितना होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब एक चीज़ देखिए, स्पीड को हमको किलोमीटर बटे घंटे में दिया गया है। अब एक चीज़ समझ लेंगे, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको मीटर बटे सेकंड में करना, चूंकि अदर वाली जो लंबाई है एक मीटर में ये भी, एक मीटर में भी, अगर दोनों किलोमीटर में होता तो बात एक ही थी, लेकिन यूनिट को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 54 × 5/18, 18 × 54, 5 × 15, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लिख देता हूँ, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो हमको ऑब्जेक्ट पार करना है क्या है, लंबी गुफा है, तो गुफा की लंबाई, ठीक है, गुफा की लंबाई बटे में क्या हो जाएगा, स्पीड यानी कि चाल, ठीक है, चाल हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई 350 है और गुफा की लंबाई कितनी है, 250 है, ठीक है, और बटे में कितनी हमारी स्पीड कितनी निकल के आ गई, 15। अब देखिए ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 0, 5, 5, 10 हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा और 15, 15 × 60 हो जाएगा, 15 × 0, तो कितना निकल के आ गया, 40 सेकंड, ठीक है, कितना निकल के आ गया, 40 सेकंड निकल के आ गया। तो दोस्तों आज बस यहीं तक चलेंगे, अगली वीडियो में आप लोग को इससे अधिक सवाल को हल कराऊंगा, तो
इसके अगली वीडियो पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।